बहनों, कैसे हैं आप सब? आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप लोगों को शुभकामनाएं। आज हम थालपोश दो कलर में बनाने जा रहे हैं। थालपोश बनाएंगे येलो कलर से, वाइट कलर से। रूसिया नंबर है 1.40 mm। 4-ply का हम ऊन यूज़ कर रहे हैं। पहले हम येलो कलर से बनाना शुरू करेंगे। जो हमारे चैनल पे नए हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जो बहनें वीडियो देखती हैं, सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हम कोई सा भी वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। आप लोगों को हम एक अच्छी अच्छी से डिज़ाइन देने की कोशिश करेंगे। पहले हम येलो कलर से नोट बांध ले रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 चैन हमने लिया है। देखिए लास्ट वाले में हम ले आके यहाँ पे जॉइंट कर दे रहे हैं। 1, 2, 3 3 हम चैन लिए हैं डबल क्रोशिया करके इसी लूप में। 2 फंदे हो गए, 1 चैन के 1 डबल क्रोशिया, और ये 3 फंदे हो गए। अब देखिए हम एक इसमें 2 चैन डाल दिए। फिर आप लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, जो बहनें देखेंगी जिससे आसानी से बना लेंगी। 1 डबल क्रोशिया चैन के बाद 2 डबल क्रोशिया चैन के बाद ये 3 डबल क्रोशिया। अब 1, 2 चैन हम लिए हैं। फिर अब इसी में ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम, जैसे हम 3 या डबल क्रोशिया बना के 2 चैन ले रहे हैं, ऐसे हमें 6 अटैम्प्ट करनी है। देखिए हमने 6 बना लिया, 3 1 हो गया 2 3 4 5 6। अब 1 चैन 1 2 चैन करके हम ले जाके यहाँ पे जॉइंट करेंगे। अब देखिए इसी के ऊपर 1, 2, 3 चैन बनाई, फिर दूसरे वाले फंदे बनाई उसके जस्ट ही बगल वाले में, फिर उसी लूप में देखिए 3 हो गया। 2 में हम 3 बना लिए फंदे डबल क्रोशिया, 1, 4 के 5। देखिए हमारे 5 बन गए हैं। अब मुझे 1, 2 चैन लिए। अब देखिए जो हम, आप आराम से देखिए, ये जो हमने 2 चैन लिया था बीच में गैप था, और यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 हम इस साइड पहले करेंगे, चैन में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके जस्ट बगल बनाएंगे, फिर ये 3रा बनाएंगे, अभी 4था डबल क्रोशिया, फिर इसी लूप में 5वां। देखिए हमने 5-5 बनाया है। ऐसे ही हमें ये पूरा लाइन कंप्लीट करनी है। 1, 2 चैन, फिर इस लूप में ही जो चैन हमने बनाया था उसमें 1 हमको फंदे बनाने होते हैं, फिर उसके जस्ट बगल उस फंदे के ऊपर फंदे, फिर उसके ऊपर फंदे के फंदे सिंगल, फिर लास्ट वाले में हम 2 बना देते हैं, तब फिर हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। देखिए ऐसे पूरा राउंड हमें कंप्लीट करनी है। सभी में 5-5 फंदे बना लिए डबल क्रोशिया, 2 चैन ले लिए हैं। अब लास्ट वाले में यहाँ ले आके हम ज्वाइंट कर देंगे, फिर 1, 2, 3 चैन, फिर उसके बगल वाले फंदे में चैन डबल क्रोशिया, फिर 3 हो गया डबल क्रोशिया, फिर इसी लूप में 4 हो गया डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, फिर उसी लूप में 6 डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल वाले में 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया। देखिए हम 5 बनाए थे, फिर 8 बना लिए, फिर 1, 2 चैन करके, अब हमको हर बार ये जो चैन हम बनाते हैं इसमें भी 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, और फिर उसके जस्ट बगल वाले में बनाएंगे,
ये इसमें बना ले रहे हैं, तीसरा हो जाएगा बगल वाले में फंदे के ऊपर फंदा, फिर उसी में एक बार और बना ले रहे हैं, चार हो गया, पांच हो गया, अब उसके बगल वाले में फिर उसी लूप में उसके बगल वाले में डबल, हम डबल क्रोशिया बना लिए, फिर ये लास्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया। अब देखिए दो चार छः आठ, आठ हमें बनाने हैं, एक डबल क्रोशिया जो हम दो में किए थे ना, अब वो लास्ट वाले में दो बार हम डबल क्रोशिया कर देंगे, उससे क्या होता है बहुत अच्छे से बढ़ा रहता है। एक दो, देखिए दो चैन हमने ले लिया, आठ आठ पूरे राउंड में हमारे फंदे डबल क्रोशिया बने हैं, धीरे धीरे पैटर्न हमारा निकल रहा है, बहुत प्यारा डिजाइन है, आप लोग देखना जरूर, बनाना जरूर, त्यौहार भी आ रहे हैं, छठी भी आएगी, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग बनाओगे तो। ले आके हम सिंगल क्रोशिया यहाँ ज्वाइंट कर लिए हैं, एक दो तीन, तीन चैन लिए हैं, फिर देखिए इसमें हम उसके जस्ट ही बगल में डबल क्रोशिया करके बना लिए एक फंदे, फिर एक हमने एक ही लूप में एक बार बनाया डबल क्रोशिया, फिर उसी में दो बना ले रहे हैं, फिर ये एक बनाए हैं, फिर उसके बाद दूसरे वाले में एक बना लिए, फिर इसी लूप में डबल बनाए, देखिए कितने फंदे हो गए, दो चार छः सात, एक आठ नौ, ये लास्ट वाले में दस हो गया, एक और इसी में बना लेंगे, ग्यारह हमारे पड़ रहे हैं, तभी हमारे ये अच्छे से पैटर्न आएंगे। ऐसे ही अब देखिए ये चीज़ ध्यान देना आप लोग, जैसे एक पैटर्न बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया इनमें बन गया ग्यारह, फिर उसके बाद एक चैन, दो चैन हमने लिया डबल क्रोशिया किया, अब देख रहे हो जो चैन हम लेते हैं उसको पहले एक यहाँ पे बना देते हैं, फिर इसके जस्ट बगल में ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेते हैं, अब हमारे कुल ग्यारह ग्यारह फंदे इनमें बैठेंगे, ऐसे ही राउंड हमारा ये कम्प्लीट होगा। देखिए हम पूरा लाइन ये कंप्लीट कर लिए हैं बना के, फिर एक दो चैन, दो चैन लेके हम यहाँ पे ज्वाइंट कर दे रहे हैं, देखिए अब एक सिंगल क्रोशिया करके आगे बढ़ लेंगे यहाँ पे, अब हमारा एक एक घटेगा, एक या दो ऐसे अभी हम दिखा रहे हैं आपको, एक फंदे बना लिए, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हमने बना लिया, एक दो तीन, तीन चैन हमने लिया, अब देखिए डबल क्रोशिया करके जो दो चैन हम लिए थे इसी में डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, फिर एक दो तीन चैन लिए, अब देखिए हम यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं, अब हमारा धीरे धीरे ये घटेगा ये वाला, अब यहाँ पे हमारे डिजाइन आगे निकलेंगे, अभी हम बना के सॉरी चैन नहीं लेना है यहाँ पे, अब इसको फंदे को डबल क्रोशिया को बनाते जाना है, देखिए फंदे डबल क्रोशिया बनाए जा रहे हैं, इसमें हमारे दो चार छः आठ हैं, दो चार छः आठ हैं, अब हमें एक
दो तीन चैन लेके डबल क्रोशिया करके जो मैंने इस साइड बताया है एकदम सेम ऐसे ही अब ये पूरे राउंड में फिर तीन चैन लेके करेंगे। अब हमारे ये घटते चले जाएंगे। अब इधर एक डिज़ाइन हमारा फूटेगा। अभी फिर पूरा ये हम राउंड कंप्लीट करते हैं ऐसे ही बना के। अभी देखो ये लाइन मेरा लास्ट होने वाला है। तीन चैन लेके एक यहाँ पे हमने फंदे बना लिया, फिर एक दो तीन चैन लेके इसमें ले आके हम ज्वाइंट कर देंगे। अब देखिए ये ज्वाइंट कर दिए हैं। अब यहाँ पे ले आके फिर एक दो तीन चैन करके अब हर एक में हम बनाएंगे। तीन चार ये पाँच, ये हो गया पाँच हमारा। देखिए पाँच हमने बना लिया डबल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चैन लिया। अब डबल क्रोशिया करके जो हमने तीन तीन चैन लिया था उस लूप में एक डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने बना लिया है। अब देखिए एक दो तीन चैन लेंगे, फिर इस बगल वाले में फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन डबल क्रोशिया ये हमारा बन गया। अब देखिए एक दो तीन, दो तीन एक चार पाँच, पाँच देखिए हमने बना लिया, ये हमारा बन गया। ऐसे ही हम पूरा ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे ले आके ज्वाइंट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम इसे यहाँ पे ले आएंगे, एक दो तीन चैन लिए, फिर दूसरे वाले लूप में बनाए, अब तीसरे वाले लूप में बनाएंगे, फिर एक दो तीन चैन लेंगे। अब देखिए ये जो तीन हमने फोड़ा था उसके ऊपर हम सेम फंदे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर तीसरा, अब एक उसके बगल में चौथा, फिर हम एक दो चैन लेंगे, फिर यहाँ पर भी हम इसी के जैसे हमने यहाँ पर अंदर लिया था एक फंदे के वैसे इसके भी लेंगे। अब देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया हमें बनानी है सीधा। आप लोगों को जैसे ये पकड़ेगा तो तीन चैन भी ले सकते हो यहाँ पे। अब देखिए एक दो तीन चैन लिए, अब फिर अब हमारा घट के कितने फंदे बैठेंगे पांच के बाद आपको दिखा रही हूँ। दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, एक दो तीन चैन, तीन तीन अब डबल इसमें बैठ रहे हैं। फंदे के ऊपर फंदा हमें बनाना है। इस साइड हमारा कुछ नहीं बढ़ेगा। दो तीन, ये तीन है के बाद चैन नहीं लेनी है डबल क्रोशिया करके। इस साइड भी जो चैन हमने तीन लिया था उसमें भी फंदे बनाने हैं। तीन ही चैन लेंगे नहीं तो थोड़ा सा लूज टाइट पड़ने लगेगा। फिर फंदे के ऊपर फंदा बनाना है। देखिए ऐसे ही हमें पूरा ये राउंड कंप्लीट करनी है। देखिए इसके बाद चार चार हमने डाला है मगर हमें पांच डालना है।
जो हमें चार डाले हैं देखिए ये लास्ट वाले लूप में एक हमने बनाया, फिर एक इसी लास्ट वाले लूप में बनाएंगे पांच, जैसे तीन यहाँ पे है पांच यहाँ पे होना चाहिए, इसमें भी पांच हम करेंगे, बगल वाले में एक और बनाएंगे, ऐसे इसमें भी करेंगे। आप लोग जब भी बनाना पांच डालना है इस वाले राउंड में, ऐसे पांच पांच करके जैसे हमने ये बनाया है पूरे राउंड में कंप्लीट करना। देखिए पूरा लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है तीन चैन लेके, अब इसे यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ ज्वाइंट कर दिया, अब बीच वाले में ले आके ये फंदा ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे, एक दो तीन तीन एक चार कर दे रही हूँ। अब देखिए फंदे के ऊपर फंदा हमें बनाना है, चार नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत खींच रहा है, पाँच एक छह कर दे रहे हैं क्योंकि इधर भी हमें तीन चैन का लेना है। अब हमें फंदे के ऊपर फंदा करना है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, एक हमने फंदा किया, दूसरा दो चार छः सात फंदे हमारे बैठने चाहिए, तीन चार पाँच, पाँच हमने किया एक बार लास्ट वाले में, फिर हम एक छः, अब एक चैन में सात हमने कर दिया, फिर एक दो चैन अब यहाँ पे लेंगे, तीन चैन अभी ले रहे थे, अब उसके जस्ट बगल उसी चैन में एक हमने बनाया, फिर फंदे के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना ली, दो तीन चार पाँच छः, अब इसी में लास्ट वाले में भी दो बार डबल क्रोशिया हमने बनाया। देखिए ये भी पैटर्न हमारा बन गया, अब एक दो तीन तीन चैन लेना है, अब इसके बीचों बीच हमें फंदे बनाने हैं, अब एक दो तीन चैन लिया, अब एकदम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाई, यहाँ पे हमें सात फंदे बैठेंगे, दो चार पांच फंदे के बाद सात फंदे बैठेंगे हमारे, हर फंदे के ऊपर हम हर फंदा बना रही हूँ। देखिए ये हमारे चार डबल क्रोशिया बैठ गए फंदे के ऊपर, ये पांचवा है, तो पांचवा में एक और हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चैन वाले में बना लेंगे, छः एक सात हो गया, फिर एक दो चैन ले रहे हैं, फिर इसी लूप में इस साइड ये बना एक फंदा डबल क्रोशिया बना लिए, अब फंदे के ऊपर फंदा बनाएंगे, दो तीन ऐसे करके, देखिए ऐसे ही पैटर्न डबल क्रोशिया का पूरा आ जाना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर ले आके हम ज्वाइंट कर लेंगे, एक और चैन लेके अब हम वाइट कलर लगाएंगे। अब देखिए ये हमारा पूरा पैटर्न आराम से बन गया, बगैर झोल आए बहुत अच्छे से बन गया है। अब इसके आगे हम दूसरा डिजाइन फोड़ेंगे। देखिए अब वाइट कलर लगाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात फंदे हैं, फिर एक दो तीन तीन छोड़ के चौथे वाले पे हमारा बीचों बीच हो जाएगा। अब इसे हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे, फिर इसी लूप में डाल के एक बार और ऐसे कर दे रहे हैं, एक दो तीन तीन चैन लिया, फिर इसी में हम बना रहे हैं डबल क्रोशिया। देखिए बना लिए, एक चैन हम ले लिए हैं, एक दो ये हमारे बन गए, फिर हम एक दो तीन चैन लिए, अब इस वाले लूप में जो हमने दो दो चैन लिया था इस वाले लूप में सेम बनाएंगे, फिर एक और इसी में डबल क्रोशिया का बना लिया, फिर एक चैन लिए, देखिए एक दो डबल क्रोशिया हम चार बार इसमें बनाए, दो बार बना के एक चैन ले लेते हैं, फिर दो बार बनाते हैं एक फ्लावर हमारा हो जाता है, फिर एक दो तीन चैन लिए, अब एक दो तीन के बाद चौथा चौथा फंदा पे फिर एक ऐसे ही फोड़ेंगे।
दो, एक चैन लेना है, थोड़ा ढीला चैन ले लेना, फिर एक दो, देखिए ऐसे ही पूरे राउंड में हम बनाएंगे। थोड़ा ये ढीला ढीला रहेगा, आप लोग चिंता मत करना, क्योंकि ये अब धीरे धीरे बड़ा होगा। यहाँ पे ऐसे ही पूरा राउंड हमें बना लेना है। एक दो तीन चैन लिए, अब देखिए जो तीन चैन हम लिए थे इसमें भी पैटर्न बैठेंगे हमारे डिजाइन। एक दो, एक चैन लेना है, फिर इसी में एक दो डबल क्रोशिया बनाए, एक फ्लावर हमारा बन गया। फिर एक दो तीन चैन लेना है, फिर इस साइड वाले में हम बनाएंगे। एक दो, एक चैन लेना है, फिर इसी में एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चैन लेना है, फिर जैसे हमने बोला था एक दो तीन, चौथे वाले में सेम ऐसे पैटर्न पूरा लाइन ये कंप्लीट करनी है बना के। देखिए हम पूरा लाइन ये बना के कंप्लीट कर लिए हैं। अब ले आके हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। अब इस वाले जो हम एक चैन लिए थे इस वाले में हम यहाँ पे फंदे डाल के सिंगल क्रोशिया बना लिए। एक दो तीन, तीन चैन लेके फिर इसी में दो हो गए हमारे, एक चैन हमने लिया, फिर एक बार इसी में फंदे एकदम सेम वैसे फ्लावर बनेगा। फिर एक दो, एक तीन, तीन हमने चैन लिया। अब देखिए जो हमने तीन तीन चैन लिया था इसमें हम सिंगल क्रोशिया इसको बांध देंगे। फिर एक दो तीन चैन लेके ये भी फ्लावर के ऊपर फ्लावर बनाएंगे। दो फंदे को बना लिए, फिर एक चैन लिए, एक दो, ऐसे ही पूरा ये राउंड हम बनाते कंप्लीट करेंगे। देखिए बहनों, अगर आप लोगों जैसे तीन चैन लेके बांधते हो, अगर ज़्यादा खूब लूज जाए तो आप दो चैन भी लेके बांध सकते हो। जैसे देखिए हम ये दो चैन किए, फिर एक दो चैन करके देखिए यहाँ पर ज्वाइन कर लिए हैं। फिर यहाँ पर देखिए बीच में लूप में निकाल लेंगे। एक दो तीन चैन लेके फिर इसी लूप में एक डबल क्रोशिया और बनाएं। अब की बार हम देखिए बीच में एक चैन नहीं ले रहे हैं, दो चैन ले रहे हैं। एक दो डबल क्रोशिया, अब एक दो तीन चैन लिए, फिर अब इस वाले फ्लावर के ऊपर फ्लावर बनाने लगे। दो डबल क्रोशिया, एक दो चैन, फिर डबल क्रोशिया दो, ऐसे लाइन पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने पूरा लाइन कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे एक दो तीन लाइन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ आप ले आऊँगी, ज्वाइन कर दूँगी, फिर बीच में पैटर्न के सिंगल क्रोशिया लिया ज्वाइन कर दी। एक दो तीन, दो 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 चैन हमने ले लिया। अब हम दो चैन देखिए पैटर्न में दो चैन डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे थल पोस थोड़ा सा अब बड़े भी हो रहे हैं। आप लोग घबराना मत, जो झोल आएगा शुरू में, मैंने बोला है फर्स्ट लाइन में जब बांधते हो दो दो चैन लेके बांधना, क्योंकि तीन चैन में ज़्यादा झोल आ रहा है। तो दो चैन हमने ले लिया, फिर उसके बाद हम दूसरे लाइन में तीन तीन चैन से ही बांधे हैं। एक दो तीन, तीन हमने लिया। अब देखिए तीन चैन से हम इसे बांध रहे हैं। फिर एक दो तीन, फिर इसमें ले आके डबल क्रोशिया करके अब ये फ्लावर बनाएंगे। दो, एक दो चैन, ऐसे ही पूरा राउंड अब कंप्लीट करेंगे। अब कितने लाइन तक हमें इसके आगे, ये जो बना रही हूँ इसके आगे हमें चार लाइन और बनानी है। अब देखिए हमें पांच लाइन वाइट से बनाएंगे, फिर हम तीन लाइन येलो कलर से बनाएंगे, और सेम पैटर्न ऐसे ही जाएगा। देखिए बिल्कुल जितना झोल था हमारा, ये लास्ट में जब हम एक दो तीन चार पांचवा लाइन बनाए, ये सारा एकदम बाइंडिंग कर लिया।
अब ये झोल नहीं है इसमें, इसलिए शुरू में अगर चार लाइन आप बनाते हो या दो लाइन बनाते हो खूब झोल दिखेंगे तो आप लोग घबराना बिल्कुल मत। अब यहाँ से हम येलो कलर लगाएंगे, देखिए एक बार इसी में और करके फिर एक दो तीन चैन लिए, सेम वैसे ही बनाना है, फिर एक दो चैन लेके एक फ्लावर हमें बना लेना है, दो चार फंदे का ही हमारा फ्लावर है, फिर एक दो तीन चैन हमने लिया। अब इसको हम बांधेंगे, ये लाइन एकदम सेम वैसे जाएगी, दो तीन। अगले लाइन में अगर आप लोगों को थोड़ा सा टाइट लगे तो चार चैन ले लेना, और जो बहने का बिनाई जिसे लूज है तो अगर उनका परफेक्ट आएगा तो तीन ही चैन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा ऐसे ही पूरा राउंड, हम तीन लाइन ऐसे ही बनाएंगे, जैसे हमने ये पैटर्न बनाया है सेम वैसे तीन लाइन और बनाएंगे। देखिए लाइन बन के हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने बोला था चार चैन लेना है लास्ट वाले में, फिर उसके बाद तीन तीन चैन लेके बांधना है, तो हमने चार चैन नहीं लिया था, हम तीन ही चैन लिए हैं क्योंकि हमारा झोल एकदम ख़त्म हो गया। देखिए अब एकदम बिल्कुल झोल नहीं आ रहा है, आप लोग देख सकते हो मोड़ के फिर फैला रहे हैं, इतने जल्दी झोल तो कोई साफ नहीं कर सकता है कि सही से कर देगा, इसलिए जो थालपोस में बताती हूँ आप लोग ध्यान से सुना करो जिससे बिल्कुल झोल ना आए। अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हो तो जैसे हम जिस पर्पज से बोले हैं, आप इसको ज़्यादा लेंथ चाहते हो, इतना दौरा के लिए अभी छठा आ रहा है, छठ मैया के दौरा ढकने के लिए, तो और बड़ा बना सकते हो। ये 54 ग्राम हमारा 50 ग्राम ऊन लगा है, बहुत कम ऊन में बहुत अच्छा डिजाइन बन गया है। अब देखिए इसके आगे हम झलरी या चैन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिस बहनों को झलरी या लगानी है वो झलरी लगाएंगी। इसका मैं इतना ही बड़ा बनाऊंगी, मुझे इतने की ही ज़रूरत है। आप लोग अगर बनाना चाहते हो, जैसे आप चार फ्लावर बनाएँ, अब इसके आगे चार चैन ले लेना, अगर तीन चैन में सही आ रहा है, थोड़ा सा सुकड़ रहा है तो आप ऐसे करके फैला सकती हो, तो आराम से ये ऊन है एक दो बार धुलाई के बाद वो खिंच जाती है। हम चलिए अब बॉर्डर बनाना आप लोगों को बता रहे हैं। वाइट कलर का ऊन ले लेंगे, वाइट कलर से बॉर्डर बनाना बता रहे हैं आपको। जहाँ से हम बांधे थे इसे देखिए, यहाँ पे हम बांधे थे, इसी में एक बार और हम कर ले रहे हैं, एक दो तीन चैन लिए, अब ले आके हम यहाँ पे, अभी हम तीन ही चैन ले रहे हैं, शुरू में एक लाइन हम दो यहाँ पे लेके बांधे थे, बाकी हम तीन तीन ही चैन ले रहे हैं, दो फंदे डबल क्रोशिया, तीन फंदे डबल क्रोशिया, चार फंदे डबल क्रोशिया करी, फिर एक दो चैन की, फिर एक दो तीन ये चार, चार हमने देखिए ये हमारा बॉर्डर बन रहा है वाइट कलर से। अब देखिए बिल्कुल ये भी नहीं सुकड़ रहा है, एक दो तीन, यहाँ पे हमने बना दिया, फिर एक दो तीन चैन लेके दूसरे वाले पे एकदम सेम ऐसे बनाना है, इसे पूरा लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए चार डबल क्रोशिया बना लिए, दो चैन ले लिए, फिर इसी में चार डबल क्रोशिया, अब तीन चैन लेके इसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ऐसे करके हम बॉर्डर बनाएंगे। अगर ये थालपोस की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और एक चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि अब मैं बैक टू बैक चार पाँच थालपोस डालूंगी, क्योंकि हम तोरण की बहुत वीडियो डाल दिए हैं थालपोस की, बहुत बहनें कहती हैं कमेंट करके मैम आप थालपोस बताना बताइए डिजाइन, इसलिए मैं बैक टू बैक
4-5 थालपोश की हम वीडियो डालेंगे। नमस्ते।